guys, welcome back to my YouTube channel Germany Guide in Indian Style. So if you are new to my channel, I prepare videos regarding the job, culture, travel and different customs, traditions that Europe people follow here. So if you want to be a part of this family, please come and subscribe and help us to boost our channel as early as possible. So today's video is about the comparison between India versus Germany, the standard of living. Standard of living का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे मैं अभी वीडियोस बनाने वाले हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इंडिया एंड जर्मनी में कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस है एंड मे बी कहाँ पे हम कौन से कॉन्सेप्ट में बेटर वर्कआउट कर सकते हैं ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बी विथ us till end. So, हमारा अगर पहला ऑब्जर्वेशन बोले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्सेस इंडिया वर्सेस जर्मनी, पहले तो किचन से स्टार्ट होता है. जैसे इंडिया में हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं गैस, यहाँ पे जर्मनी में लोग क्या यूज करते हैं चलो देखते हैं. सो गाइज, दिस इज माई, हम किचन में आ गए हैं एंड ये मेरे किचन का एक प्यारा सा लोगो है. दिस किचन इज सीजन विद लव. ओके, सो यहाँ पे जैसे कि इंडिया में गैस यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं इंडक्शन. ये इस तरह से चार इंडक्शन होते हैं. कैन यू से सो अगर ये इंडक्शन की बात करें हम, तो ये इंडक्शन में यहाँ पे सारे लोग जर्मन लोग इस पे ही खाना बनाते हैं, ये इंडक्शन गैस पे. पर एक्चुअली एक प्रॉब्लम जो कि इंडियंस यहाँ पे रहते हैं वो लोग फेस ये करते हैं कि यहाँ पे जो चपाती तो बना लेते हैं हम फ्राई पैन पे, पर फुल्की वाली चपाती जो कि गैस पे बनाते हैं वो नहीं होती है यहाँ पे, इट्स पॉसिबल नहीं है. एंड सेकेंड जो कि भाकरी बनाते हैं जो कि गैस जिसके लिए गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गैस की फ्लेम पे ही बनती है, वो चीज़ें यहाँ पे बनने में परेशानी होती है. आई नीड टू फाइंड द अल्टरनेटिव कि कैसे कर सकते हैं. अगर आपको पता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी किचन का ही है. जैसे कि इंडिया में वी हैव मेड्स फॉर वॉशिंग द यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए हम मेड्स लगाते हैं. लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं विथ रिलेटेड टू मेड्स की वो कभी काल टाइम पे आते हैं, कभी काल नहीं आते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती है. एंड फ़ायदा भी है कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. बट यहाँ पे जर्मनी में लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मेड्स नहीं मिलते, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव है, अपने को ये सारा काम करना है. तो ये लोग जैसे कि पता है जर्मनी से एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री, तो ये लोग डिश वॉशर का यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए. सो लेट्स चेकआउट कि यहाँ पे डिश वॉशर कैसा है. सो ये एक्चुअली डिश वॉशर है जो कि किचन में अटैच रहता है एंड इट लुक्स लाइक दिस फ्रॉम इनर साइड. मैंने अभी जस्ट काम ख़त्म हुआ है एंड आई हैव पुट द यूटेंसिल्स इनसाइड. ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे असेंबलीज हैं. इसका वीडियो मैं बनाने वाले सो दैट यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है. सो यहाँ पे क्या करना होता है कि यू नीड टू पुट, जो भी आपके बर्तन में सब डाल देना है एंड डालने के बाद एंड देन आपको इसे लगा देना है एंड ऑन द बटन एंड आपके बर्तन धो के रेडी हो जाएंगे जब आपको चाहिए. सो इफ़ आई नीड टू टेल कि डिश वॉशर के फ़ायदे क्या हैं एंड तो ये है कि हम कभी भी लगा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम मेड्स को बोलते हैं कि ये टाइम को ही आना है एंड आपको आके ही करना है, वैसे यहाँ पे इस डिश वॉशर के साथ नहीं है. बस जब आपके बर्तन रेडी हैं डाल दो, ऑटोमेटिकली वो वॉश आउट होगा. इवन उसमें एयर वॉशिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड ड्राई करके स्टेरलाइज करके आपके बर्तन बाहर आ जाएंगे. सो इट्स अ गुड पार्ट. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस अगर बोला जाए इज दैट कि यहाँ पे क्लीनिंग के लिए क्या करते हैं. सेम इंडिया में क्लीनिंग के लिए मेड्स हैं जो कि आके घर को क्लीन करके जाते हैं, एवरीथिंग दे डू इट. बट यहाँ पे लोग रोबोट की यूज़ करते हैं जहाँ पे लाइट डस्टिंग एंड लाइट डस्टिंग करके पूरे घर को वो क्लीन कर देता है, चाहे आप घर पे रहो या नहीं रहो। बट यही है कि यू नीड टू चार्ज टाइम टू टाइम एंड विथ ऐप फ्रेंडली है तो वो अपने आप क्लीन करके जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स कि ये क्या है, कैसे काम करता है, चेकआउट माई वीडियो रिगार्डिंग धनतेरस, द आई लिंक इज अबव, प्लीज क्लिक ऑन इट एंड स्टे कनेक्टेड टू दैट वीडियो सो दैट यू विल हैव एन इंफॉर्मेशन कि ये एक्चुअली रोबोट काम कैसे करता है। सो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है जो कि बहुत कॉमन एंड छोटा सा है, वो है इलेक्ट्रिकल सॉकेट। जैसे इंडिया में वी हैव स्क्वायर टाइप में वाइट कलर के छोटे छोटे सॉकेट्स लगे होते हैं जहाँ पे हम प्लग इन कर सकते हैं कोई भी अप्लायंसेस स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है चलो देखते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से सॉकेट्स होते हैं, कैन यू सी इट। यहाँ पे जैसे इंडिया में है वैसे नहीं है। एंड यहाँ पे ये तरीके वाले यूज़ करते हैं कोई भी अप्लायंसेस स्टार्ट करने के लिए। इट्स यूरोप बेस्ड फॉर्मेट का जो है अडाप्टर यूज़ किया जाता है। यू कैन सी इस तरह से इसका मेकओवर है। एंड ये कहीं पे भी आप अगर आपको लेना है तो अमेज़ॉन पे इट्स ट्रैवल यूनिवर्सल अडाप्टर बोल के ले सकते हैं। एंड यू नीड टू सी दिस मार्किंग हियर जो सिम्बलाइज करता है कि ये यूरोप या कहीं पे जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। द रीज़न ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज अगर आप इंडिया से कोई भी अप्लायंसेस ला रहे हैं, अगर आपने वो डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा, मे बी आपके अप्लायंसेस उड़ सकते हैं बिकॉज उनकी वोल्टेज एंड यहाँ की वोल्टेज में डिफरेंस होता है, एक वो कन्वर्ट नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वो कन्वर्ट होता है एंड आपके अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे तरीके से चल जाते हैं यहाँ पे। सो मोस्टली जब कोई लोग यहाँ जब ट्रैवल करते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये वाले जो है अडाप्टर का यूज़ करना चाहिए जब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। सो इट कैन बी, उसको इस तरह से यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आपको इसमें अटैच करना है ना, आपके अप्लायंसेस चल जाती हैं। एंड मुझे वो लोगों को एडवाइस देना है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जर्मनी में रहने के लिए या वर्क करने के लिए, सो बहुत सारे अप्लायंसेस लाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम ला रहे हैं यहाँ पे सोचते हैं कि पैसे सेव हो जाएंगे, इंडिया से लेंगे, तो प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ की वोल्टेज एंड यहाँ की वोल्टेज में बहुत सारे डिफरेंस होती है, वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है। सो कभी कल जब आप लगाते हो तो वो एक ही कनेक्शन में उड़ जाती है, सो फ्लश आउट हो जाती है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी जो अप्लायंसेस हैं वो यहाँ पे चलेगी ही चलेगी। सो मोस्टली बेटर बाय द अप्लायंसेस फ्रॉम हियर एंड जो कि बहुत सुपर सुपर एक्सपेंसिव है। ट्राई टू यूज़ दिस अडाप्टर, डोंट पुट डायरेक्टली इन द सॉकेट, अदरवाइज योर अप्लायंसेस विल नॉट वर्क। सो अब बात करते हैं हम कि इंडिया में जब गर्मी होती है तो हम यूज़ करते हैं एसी, राइट। यहाँ पे लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। एंड अगर ठंडी है तो इंडिया में हम मोस्टली फैंस बंद रखते हैं। एंड यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ये लोग विंडोज़ ओपन करते हैं, कैन यू सी। एंड घर पे यहाँ पे इस तरह का हीटर इंस्टॉल्ड होता है सो दैट विद द टेम्परेचर लोगो वो अपने आप को गर्म रख सकें। सो दिस इज़ वन सिस्टम जहाँ के हम हीटर से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं 5, 10, 15, 20। ये जो है वो 20 to 25 के बीच में ही रखना चाहिए। मोस्टली ये जो है एडजस्टमेंट घर को हीट रखने के लिए सफिशेंट होता है। सो दिस इज़ हाउ जो हीटिंग का सिस्टम है वो वर्कआउट होता है। एंड किचन में इस तरह से असेंबली अटैच होती है हर एक जर्मन लोगों के यहाँ पे, सो दैट कि जो भी घर में जैसे कि पानी गर्म करने के लिए हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो यहाँ से सब ऑपरेट होता है, इवन हीटर का भी। सो इस तरह से आप सबके घर पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर बार है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, जो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये काम करता है। सो एक्चुअली इसके अंदर एक फ्लेम टाइप है जो कि जब आप टेम्परेचर हीट करोगे, राइज करोगे, इट विल स्टार्ट वर्किंग। सो इट लुक्स लाइक दिस। There is no fan at the home, ceiling fan नहीं होता है यहाँ पे। एंड जैसे कि अपने घर पे इलेक्ट्रिकल वायर्स का एक हम कॉन्क्रीट पाथवे बनाते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं है। आई विल शो यू सीलिंग पे क्या होता है इनके यहाँ पे। कैन यू सी द सीलिंग? सीलिंग पे कुछ नहीं है, सीलिंग पे बस यू कैन सी द लाइट जो मैं ऑन कर रही हूँ, आपको दिखेगा। सो बाकी सीलिंग पे कुछ रहता नहीं है। तो ये सीलिंग की लाइट होती है, नो फैंस हियर। एंड ये जो आप देख रहे हो, इट्स स्मोक डिटेक्टर। अगर घर पे कुछ स्मोक या कुछ हो रहा है तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा एंड अलार्म बजेगा यहाँ से। एंड आप जैसे सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दिस, ये विंडो के ऊपर ये लोग कर्टेंस लगाने के लिए ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको कर्टेंस लगाना है, यू कैन हैव इट हियर, इट्स नॉट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ओके, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये छोटा सा डिफरेंस वाला वीडियो कैसे लगा है, एंड आई विल मेक मोर ऑन दिस। सो प्लीज सब्सक्राइब, इट्स फ्री, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। चलो, लेट्स मीट ऑन इन नेक्स्ट वीडियो।